So greatest prime number between 1 and 10 is 7. 2, 3, 5, 7 numbers हैं और सबसे बड़ा उसमें कौन है? 7. Next question number 6 is express the following as a sum of two odd primes. ये numbers हमें given हैं और इन्हें इन numbers को हमने two odd prime numbers की sum के form में लिखना है. मतलब two numbers को इस तरह से add करें कि वो दोनों के दोनों number कैसे होने चाहिए? Odd भी होने चाहिए और prime भी होने चाहिए और उनका sum कितना होना चाहिए? 44. मतलब 44 के इक्वल में टू नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो ओड प्राइम हो. इसका मतलब हम 2 को नहीं लिख सकते क्योंकि जो 2 है वो एक इवन प्राइम नंबर है. तो हम रफ में चेक करके देखते हैं. मान लो हमने एक नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और वो ओड भी है. अगर 44 में से 3 को माइनस करें तो दूसरा नंबर क्या बचता है? 41. और 41 कैसा नंबर है? प्राइम है. तो 3 भी प्राइम था जो हमने पहले लिया और 41 भी प्राइम है. तो इसका मतलब हम 44 को लिख सकते हैं 3 प्लस 41. दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों ही ओड हैं. इसी तरह से 36 को हमने राइट करना है. तो 36 के लिए भी अगर हम 3 ले लें, एक प्राइम नंबर 3 ले लें, तो दूसरा क्या आएगा? 36 में से 3 माइनस करेंगे तो 33. और 33 आपको पता है 3 से डिवाइड होता है. इसका मतलब पहला प्राइम नंबर हम 3 नहीं ले सकते. तो हम 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, तो हम 5 से चेक करें. 36 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 31. और 31 प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है. तो इसका मतलब ये 5 और ये 31, इन दोनों का जो सम होगा वो 36 बनाएगा, जो कि दोनों के दोनों ऑड प्राइम नंबर्स होंगे. इसी तरह से 24 को आप लेके देखो. अगर 3 लोगे तो 21 बचेगा. 24 माइनस 3 21, और 21 प्राइम नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है. तो अगर आप 5 लोगे तो 19 बचेगा. तो आप 5 प्लस 19 लिख सकते हो. 24 को आप 5 प्लस 19 लिख सकते हो. इसी तरह से मान लो किसी बच्चे ने 7 ले लिया, एक प्राइम नंबर, जरूरी थोड़ी ना हमें 3 लें या 5 लें, कोई भी दो ले सकते हैं. अगर किसी ने 7 ले लिया तो 24 का 24 में से 7 माइनस करेगा तो क्या बचेगा? 17. यानी कि 17 प्लस 7 भी लिख सकते हैं. तो 24 का ये दूसरा पेयर लिख के दिखा रही हूं मैं तुम्हें, 7 प्लस 17. इसी तरह से इन नंबर्स के अलग अलग पेयर हो सकते हैं, इनके भी कुछ और पेयर्स हो सकते हैं. तो एक नंबर 18 बचा है, इसके पेयर आप खुद बना के लिखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे. तो और आपके आंसर आपके फ्रेंड्स के आंसर से या किसी और किसी के आंसर से डिफर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको टू ओड प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. 3 पेयर्स लिखने हैं हमने प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 हो. अब नीचे दिया हुआ है मार्क में हमें कि 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स. इसका मतलब ये जो है हमें नीचे ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन गिवन है कि अगर आपसे कोई ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन प्राइम्स, तो क्या है? 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स. तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. इसके बदले में आपको ये भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन में कि गिव 3 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स. तो ध्यान से समझना है आपने इस बात को कि जिनका डिफरेंस 2 होता है वो, जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं. तो 3 पेयर्स बताने हैं ऐसे प्राइम नंबर्स के. अगर हम स्टार्टिंग से प्राइम नंबर्स देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है स्टार्टिंग के. और इनमें से हमने ऐसे पेयर छांटने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो. देखो 2 और 3 में डिफरेंस कितना है? 1. 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का. इसी तरह से 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है. और अगर आप 7 और 11 लोगे तो 4 का हो जाएगा. इसी तरह से आप कौन से ले सकते हो? 11 और 13. 11 और 13 में भी 2 का डिफरेंस है. 17 और 19 भी ले सकते हैं, इनमें भी 2 का डिफरेंस है. तो हमने इस तरह से 1, 2, 3, 4 पेयर्स छांट लिए और हमें 3 पेयर्स ही बताने थे. सो 3 पेयर्स कौन से हो जाएंगे? 3 एंड 5 पहला पेयर लिख दो आप, दूसरा 5 एंड 7 लिख दो, नेक्स्ट आप 11 एंड 13 लिख सकते हो. और उससे आगे पूछे नहीं आपको, 3 पूछी है तो आप 3 बता सकते हो. इसके बदले में आप 17 एंड 19 भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. ये फोर नंबर्स हमें गिवन है और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से नंबर प्राइम है. तो प्राइम नंबर छांटने के लिए पहले मैंने आपको बताया था टू से चेक कर लो आप, अगर टू की टेबल में आते हैं या थ्री की टेबल में या फाइव की या सेवन की टेबल में आते हैं तो वो नंबर प्राइम नहीं होते. अब 23 देखो, टू से डिवाइड नहीं होता, इसके डिजिट का सम 3 + 2 = 5, 3 से भी डिवाइड नहीं होता. 5 से डिवाइड होने के लिए 1 + 0 या 5 होना चाहिए था, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा. 7 से भी आप डिवाइड करके देख लो तो 7 के टेबल में भी नहीं जाता ये नंबर. इसका मतलब 23 कैसा नंबर है? प्राइम. अब 51 देखो, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 1 प्लेस इसका ओड है. 5 + 1 = 6, इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स ये प्राइम नहीं है और ये कैसा नंबर है? कंपोजिट. 37 देखो आप, 1 पे डिवाइड होता है और 37 पे होता है, इसके अलावा और किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है. 26 को देखो, इसका जो वंस प्लेस है इवन है, और जिस नंबर का वंस प्लेस इवन होता है वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. और जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कैसा नंबर बन जाएगा? ये कंपोजिट. और हमें बताने थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. सो प्राइम नंबर्स आर, जो आपने लिखे हैं ऊपर फाइंड किए हैं वो राइट कर दो. सो प्राइम नंबर्स आर, एक तो 23 आया है और दूसरा 37 आया है. अभी आपको प्राइम नंबर्स फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फटाफट से आप सभी प्राइम नंबर्स को फाइंड कर लोगे और आपको लर्न भी हो जाएंगे 100 तक के प्राइम नंबर्स, और उससे आगे के नंबर भी आपको देखने आ जाएंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर प्राइम है या नहीं है. सो कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.